नमस्कार, मैं दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ और KIA न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी, मैनपुरी विधानसभा के प्रत्याशी संजय चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं मैनपुरी के लोगों के मन में क्या है और वो किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है KIA में आपका। धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने कहा प्रत्याशी, अभी मैं संभावित प्रत्याशी हूँ और निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी चाहेगी प्रत्याशी होऊंगा तो जो मैं कार्य कर रहा हूँ आगे भी निरंतर इसको और गति दूंगा। सर, देखा गया है जो मैनपुरी है यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और उसमें 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 1 पर BJP का है। तो माना जाए तो यहाँ पर जो गढ़ है, क्योंकि 1983 से यहाँ देखा जाए तो सांसद भी समाजवादी पार्टी से ही हैं, लगातार बनते आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहेगा, मुद्दा रहेगा कि आपको अपनी तरफ जनता को कैसे डाइवर्ट करेंगे। तो क्या क्या आपके एजेंडे रहेंगे जिससे आप अपनी तरफ जनता को डाइवर्ट करेंगे और कैसे उनके बीच जाके वोट मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चैलेंज स्वीकार किया है। हम 2 लोकसभा सीटों से शुरू होकर और आज पूरे देश में हमारी सरकार है। और रही बात जो बार बार आप कह रहे हैं गढ़, चूँकि जहाँ पर जात पात का जो बढ़ावा था ना, जातिगत लोग राजनीति कर रहे थे, वो अपने आप को गढ़ कह सकते हैं, क्योंकि जब आंकड़े में एक जात विशेष के लोग ज़्यादा होते हैं तो निश्चित रूप से वो उनका प्रभुत्व रहता है। लेकिन आज की जो तारीख है, आज का जो परिवेश है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर पूरे समाज को एकजुट करके एक माला में पिरोकर काम कर रही है। यहाँ ना जात का है, ना धर्म का है, ना भेद है किसी तरीके का, और इसी एजेंडे को लेकर हम निश्चित रूप से इस बार मैनपुरी की 4 में से 4 सीटें जीतकर इतिहास रचने का काम करेंगे। जो गढ़ है इसे हमने भेदना 2017 में शुरू कर दिया था, अब की बार पूरी तरह 4 सीटें लेकर गढ़ का नाम ही मिटा दूँ। सर, देखा गया है कि जो आज के टाइम में युवा की सबसे बड़ी समस्या, एक तो बेरोजगारी है, ज़्यादातर युवा सब बेरोजगारी से परेशान हैं, और चूंकि ये भी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, आप अपने मैनपुरी विधानसभा के लिए अगर आपको चुना जाता है भारतीय जनता पार्टी से और अगर आप जीतते हैं तो क्या क्या आप बेरोजगारी के लिए क्या क्या करेंगे? सबसे पहली बात देखिए, सरकार रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है और रोज़गार मिल भी रहा है, ऐसा नहीं कि रोज़गार नहीं मिल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है, रोज़गार जो है सभी को मिल रहा है। पहले समाजवादी पार्टी की सूचियाँ जाती थी, लोग समाजवादी पार्टी के जो मानसिकता के लोग थे, एक बिरादरी के लोग थे, उनको नौकरी पाने के लिए अपने ज़मीन या जायदाद बेचनी पड़ती थी। अगर इस समय आप अगर सर्वे अपना करेंगे तो वो उन लोगों को भी नौकरी मिल रही है, ना जात देखा गया, ना धर्म देखा गया, ना कोई भेद देखा गया, और अभी भी शिक्षकों की जो भर्ती हुई उसमें पारदर्शिता के साथ पूरी तरह लोगों को नौकरी मिली। रही बात ये जो आपने कहा, यदि मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देती और मैं चुना गया तो हमारा जो एजेंडा रहेगा निश्चित रूप से शिक्षा, चिकित्सा और रोज़गार के लिए। रोज़गार केवल नौकरी से ही रोज़गार नहीं होता है। अगर हमारी सरकार की नीत रहेगी तो निश्चित रूप से हम रोज़गार पैदा कर सकते हैं। जो लोग केवल नौकरी के लिए जाते हैं उनको हम प्रेरित करेंगे कि अपना स्वयं का उद्योग लगाएं, व्यापार करें। जो स्टार्टअप की नीत केंद्र सरकार की चल रही है, स्टार्टअप के तहत निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके लिए लोन उपलब्ध करा रही है, सस्ते दामों पर लोन उपलब्ध है, तमाम तरीके की जो सुविधाएं दी जा रही हैं, सब्सिडी दी जा रही हैं, उसी के तहत हम जो हमारा युवा है अपना रोज़गार स्वयं कर अपना स्वयं का मालिक बनेगा, ये बेरोजगारी इसी तरह ख़त्म होगी। और है जनता का ही सवाल है, क्योंकि जो आज के टाइम में जो महंगाई है आप भी देख रहे हैं, काफ़ी महंगाई है, देखा जाए सरसों का तेल और कई चीज़ें हैं जो महंगी हो चुकी हैं, इस पर आपकी नज़रों से क्या काम कार करना चाहिए जिससे जनता को सहूलियत मिलेगी आगे? देखिए, महंगाई की बात आप कहेंगे ना, अगर गेहूं महंगा हो रहा है, किसान का गेहूं महंगा हो रहा है, अगर सरसों महंगी हो रही है, वो भी किसान की महंगी हो रही है, जब किसान सरसब्ज होगा तो हमारी नौकरियों में जो लोग जो है ना, बेसिकली विपक्ष क्या कर रहा है, वो महंगाई का मुद्दा तो उठाता है, वो ये नहीं देखता है कि हमारे जो प्लॉट की कीमत थी
वो आज से 5 साल पहले क्या थी, आज क्या है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आज हमारा जो है ना, आज से 5 साल पहले हमारे गेहूं की, हमारे चना की, हमारे तेल की, हमारे सरसों की, हमारे धान की क्या कीमत थी और आज क्या है, केवल और केवल ये है कि उन्होंने कहा महंगाई इतनी बढ़ गई है। महंगाई के साथ साथ लोगों की आमदनी बढ़ रही है, लोगों का जो किसानों का जो उत्पादन है उसकी उसे अच्छी कीमत मिल रही है। और जहाँ तक महंगाई की बात कहेंगे आप, तो पेट्रोल इतिहास में पेट्रोल और डीजल पर एक मुश्त 12 से 14 रुपए जो काम कम करने का काम केवल केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। बढ़ाया भी तो था, बढ़ाया भी तो था। अगर आप पत्रकार हैं तो आपको नॉलेज होगा कि ये जो कीमत बढ़ती है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से बढ़ती है, लेकिन अपनी जो टैक्सेस हैं उनमें कटौती करके एक मुश्त 12 रुपए कम करना, ये निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। और मैं विपक्ष को भी ये कहूँगा कि कोई अच्छा काम किया जाए तो उस पर जो है ना अच्छी बात भी कहनी चाहिए। सिलेंडर की बात की जाएगी क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत बहुत अच्छी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना लागू की गई थी, उसमें सिलेंडर लोगों को दिए गए। लेकिन मेरा जो तजुर्बा है, मैंने जो फील्ड में देखा है कि वो सिलेंडर अब फिर से रख चुके हैं और वो आँखों मतलब फिर उनको आँखों में धुएं में आँखें फोड़नी पड़ रही हैं। तो क्या मानते हैं, क्योंकि सिलेंडर इतना महंगा हो गया आदमी भरवा नहीं पा रहा है। देखिए सिलेंडर ये मान चलिए कि ये भी जैसे मैंने आपको ऑयल एंड गैस की बात की, जो हमारा तेल और गैस है ये सब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से हैंडल हो रहा है, उसी के अनुसार चलता है। जहाँ तक आपने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत जो हमने सिलेंडर दिए, हमारी सरकार ने जो सिलेंडर दिए वो गरीबों का जो धुएं से आँख ख़राब हो रही थी उसकी वजह से दिए। और आज भी मैं फिर बताऊंगा आपको कि जो लोग गांव में वो क्या करते हैं कि वो गैस से भी करते हैं, खाना वाना पकाते हैं और चूल्हा जला के भी पकाते हैं। और ऐसा नहीं कि उनके सिलेंडर रख गए हैं, अगर मान चलिए कि 10% अगर सिलेंडर रख भी गए तो 90% की तरफ आप क्यों नहीं देखते हो। 90% उन महिलाओं को जिन्होंने कभी चूल्हे से गैस की तरफ नहीं आई थी, उनको प्रधानमंत्री जी ने ये उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस कनेक्शन दिए, सिलेंडर दिए। अभी आपने देखा हो कोरोना काल में सिलेंडर फ्री में दिए, दो दो तीन तीन महीने तक लगातार सिलेंडर सरकार ने फ्री में दिए। अभी आप अगर उसकी बात कहेंगे तो गरीबों को अंत्योदय के तहत जिनके अंत्योदय कार्ड हैं या पात्रता सूची के कार्ड हैं उनको राशन में जो राशन फ्री दे रहे हैं उनमें रिफाइंड चना नमक मतलब जो देते थे उसके अलावा ये दे रहे हैं, तो ये उपलब्धि सरकार की नहीं है। इसके लिए नहीं विपक्ष बोलेगा ना आप लोग इसमें उठाएंगे। आपसे जो मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से महंगाई के साथ साथ गरीब खुशहाल है, उसकी सुरक्षा आज आप मैं रोज़ाना फील्ड में जाता हूँ विधानसभा मैनपुरी के जो 409 गाँव हैं उनमें लगभग हर गाँव में मैं भ्रमण कर चुका हूँ। और मैं विश्वास के साथ अगर आप भी सर्वे करेंगे गांव का जो आदमी है वो इतना खुश हुआ है केवल इस सुरक्षा को लेकर, वो कभी भी रात में 12 बजे 10 बजे 11 बजे किसी भी समय माँ बहन बेटी के साथ अपने गांव किसी भी समय जा सकता है, उसे किसी तरीके का कोई डर नहीं है। गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है और मैं इसके लिए योगी जी को बधाई दूंगा कि आपके ही वजह से योगी जी हैं इसीलिए मुमकिन हो सका। सर एक और सवाल आपके ही मैनपुरी से जुड़ा हुआ है, मनोज यादव जी जो RCL ग्रुप के मालिक हैं उनके घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं क्योंकि विपक्ष काफ़ी आरोप लगा रहा है। देखो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, मैं फिर ये कहूँगा ये आयकर और ये जितने भी छापे होते हैं ना ये एक रूटीन वर्क है। अब विपक्ष काम है कि ये चूंकि चुनाव अभी उनको ये लगता है कि चुनाव पास में आ गया। चुनाव ये तो मुद्दा है ये कि चुनाव नज़दीक है और वो अखिलेश यादव के करीबी भी थे और काफ़ी जो फंड डोनेशन में उनका समाजवादी पार्टी में काफ़ी योगदान भी रहता था और ये चुनाव के टाइम पर इस तरीके से आयकर विभाग का उनके ही नहीं और कई समाजवादी पार्टी के कुछ करीबियों के जहाँ छापा पड़ना ये तो ये मुद्दा तो बनता ही है। मैं फिर एक बात कहूँगा, मुझे नहीं बताया कि वो अखिलेश यादव जी के करीबी थे या नहीं थे। मैं ये जानता हूँ कि मनोज यादव मैनपुरी में यहाँ पर आए कुछ ही समय में, उन्होंने यहाँ जिस हिसाब से अपना पूरा धन अर्जित किया या उनका जो जिस जगह पर उन्होंने अपना जो सब कुछ किया, ठीक है मुझे नहीं पता। मैं समझता हूँ कि एक ठेकेदार हैं, ठेकेदार की हैसियत से मैं उन्हें जानता हूँ, अच्छी कोठी बनी है। अब ये काम इनकम टैक्स विभाग का है कि वो कहाँ कहाँ छापे डाल रहा है, कैसे कैसे डाल रहा है मुझे नहीं पता, ये रूटीन वर्क में समझता हूँ। अच्छा रही बात ये कि वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है, तो इसका मतलब
देखिए उनको पता होगा कि वो ऐसा काम कराते रहे होंगे इसलिए उन्हें लग रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के तहत काम करती है और न किसी के साथ भेदभाव करती है और न आपने देखा होगा आज गुंडा चाहे वो किसी जाति का हो, क्योंकि तो गुंडे कोई जाति नहीं होती है, ये तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या जेल के अंदर हैं। सर महिला सुरक्षा को लेकर आपके द्वारा अगर आपको चुना जाता है भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलती है और जनता भी आपको चुनती है तो महिला सुरक्षा को लेकर आपके और क्या क्या कदम रहेंगे? देखिए ये महिला सुरक्षा खासकर ये प्रदेश की जो सरकार बनेगी उसकी नीति के ऊपर होगा। हम लोग सजग हैं महिलाओं के प्रति, हमारी जो है हेल्पलाइन भी बनी हुई है और मैं समझता हूँ कि आज महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर लोग आने से लोग घबराते थे आज वहाँ पर महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, अपना उद्योग धंधे भी धीरे धीरे स्थापित हो रहे हैं। तो मैं समझूंगा जब गुंडा खासकर डर किससे था महिलाओं को, गुंडों से। आज जब मैंने अभी आपसे बात कही कि किसी भी समय रात में कोई महिला चाहे हमारी बहन बेटी माँ बहन बेटी कोई भी हो कहीं पर भी जा सकती है, आप रात में 12 बजे मैनपुरी में देखेंगे कई जगह मैं देखता हूँ स्कूटी से महिलाएं घूम रही होती हैं, कहीं शादी फंक्शन से लौट रही होती हैं। अगर ये महिला सुरक्षा अगर नहीं होता तो मैं नहीं समझता हूँ कि रात में 8 बजे के बाद कोई महिला कहीं सड़क पर घूमती मिलती। जैसा कि समाजवादी पार्टी की सरकारें रही, महिलाएँ छोड़िए 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद पुरुष भी अपने घरों में अंदर हुआ करते थे, केवल गुंडा राज था। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी संजय चौहान जी। कल फिर मुलाकात होगी नए शहर में और नए संभावित प्रत्याशी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि RBI पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड कीजिए।